आज बन रहा है चिकन मोमो। तो चिकन मोमो के लिए मैंने मसाला रेडी कर दिया है। इसमें प्याज, कसूरी मेथी, लहसुन और नमक मिर्च, अजीनोमोटो वगैरह नहीं डाला। हेलो, वेलकम टू माय व्लॉग। रविता गुंजी, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज मैं व्लॉग बना रही हूँ इवनिंग में। अभी रात का डिनर बन रहा है और मैं अभी अपने सिस्टर के यहाँ आई हूँ। डिनर में बन रहा है मोमो। मोमो की तैयारी हो रही है, मसाला वगैरह सारा चीज़ रेडी है, बस आटा गूंथ चुका है और चटनी की तैयारी हो रही है और सब चीज़ रेडी है, बस बनाना अभी बाकी है। आज सुबह हम लोगों ने खाया था, क्या खाया था दीपी? डोसा 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 सांबर खाया था। अभी शाम को दीपी हमको कौन सा मोमो खिला रही है? चिकन मोमो, नहीं वो नेपाली, क्या कह रही थी? चिकन झोल मोमो, चिकन झोल मोमो, नेपाली झोल चटनी, नेपाली झोल चटनी के साथ और चिकन झोल मोमो खिला रही है। तो अभी उसी की तैयारी चल रही है, तैयारी कर रही है। सारा मसाला वगैरह सब पिस चुका था, लेकिन ये दोबारा चटनी के लिए थोड़ा सा लहसुन छील रही है और यहाँ पर ये चटनी के लिए ये सारा चीज तैयार है। और वेट कीजिए आप, अभी बना के हम लोग दिखाते हैं नेपाली झोल मोमो। ये दीपी अब नेपाली झोल चटनी बनाने की तैयारी कर रही है। उसमें उसने सफेद तिल को पहले भुना सूखा और उसके बाद उसको पीस लिया, सफेद तिल, और और इसमें डाला है मैंने, उसके बाद उसमें प्याज, येना, टमाटर येना और तिमुर। तिमुर भी डाल रखा है इसमें। हमारी भाषा में यन्ना बोलते हैं, तिमुर से थोड़ा बहुत वो होता है, टेस्ट अच्छा आता है। और लहसुन, मिर्च, अदरक और ये मसाला तैयार है मोमो का। लेकिन हम लोग घर में जब बनाते हैं अजीनोमोटो का यूज़ नहीं करते हैं, हेल्थ के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अजीनोमोटो हेल्थ के लिए सही मीट नहीं नहीं होता हिला है। दी। आराम से मुंह में छिटाएगा, आराम से। क्या चटनी खाई है? नेपाली झोल चटनी है, जिसमें झोल झोल झोल, हाँ झोल मतलब आपका ग्रेवी वाला। अच्छा, नेपाली झोल चटनी है। इसमें ना मोमोज को जो है ग्रेवी के साथ खाते हैं, ग्रेवी के साथ डिप करके खाते हैं, तो वही आज ये बना रही है दीदी। क्या चीज़? इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और इसमें मैंने अदरक काट के डाला है। हाँ बताओ दीपी, कैसे बना रही हो? बोलो। बस ये थोड़ी देर फ्राई हो जाए, उसके बाद फिर इसमें मैं जो मैंने तिल और जो तिमूर है इसको मैंने पेस्ट करके रखा हुआ है, इसको पाउडर बना के। अब इसमें नमक मिर्च हल्दी जाएगा, अच्छे से पेस्ट होके उसको ठंडा करके फिर उसका अच्छे से हम पेस्ट बनाएंगे और गीला का मतलब झोल उसका पेस्ट बनाएंगे और झोल की चटनी के साथ हम मोमो खाएंगे। बहुत बढ़िया, आज थोड़ा नया टेस्ट करने को मिलेगा। इससे पहले भी बनाया है मैंने, लेकिन मैं पहली बार खाऊंगी ना तेरे हाथ का झोल, नेपाली झोल मोमोज। और ये मोमो का मसाला तैयार है। ये मैंने इस तरीके से बेला और बहुत इजीली ये आपके एक बार के बेलने से आपको उसमें 6 मोमो बन जाएंगे। और इस तरीके से छोटे छोटे समोसे वाले मोमो बनाती हूँ मैं इजीली आपको, बढ़िया करके, मतलब ज़्यादा रोल करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से हो जाता है। और ये आटे का मोमो है, घर में हम आटे का ही ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि बहुत हेल्दी होता है। पता ही है कि मार्केट में सब आजकल मैदा वैदा पता नहीं क्या क्या बन रहा है, इसीलिए सबसे हेल्दी। और इस तरीके से ये छोटे छोटे मोमो बन के आपकी अब स्टीम के लिए डालती हूँ। इसमें रख दिया? हाँ, अभी स्टीमर में जाएगा। मेरे पास मोमो मोको नहीं है तो मैं यही यूज़ करती हूँ, इसमें ढोकला वगैरह सब बन जाता है, केक वगैरह। तो
आपकी फैमिली के लिए अच्छा है, सही है। फैमिली के लिए क्या, मैंने तो कितनों को निपटा दिया इसमें, बड़े बड़े क्या बड़ी बड़ी फैमिली को निपटा दिया भाई, सुपर फास्ट और बहुत एक्सपर्ट। और जब टाइम मिलता है तो फिर शिपुती इन समय बाकी इसके लिए बहुत समय निकालना पड़ता है मम्मू के लिए हमें। छोटा छोटा बेलो, उसको गोल गोल काटो, फिर छोटे छोटे एक बनाओ, तब तक ये सही है कि बड़ा बड़ा सा बेल दो उसको, रोटी से भी बड़ा, उसको कट मार के बना दो। टेस्ट तो मोमो का ही आना है, शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे गोल हो, समोसा जैसा हो, चाहे कैसा भी हो, मैं तो डिजाइन बनाऊंगी, है ना। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, बना के दिखाऊंगी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन मोमोज। डिजाइन तो मुझे दो तीन टाइप के आते हैं, चुटिया वाला भी बनाना दीपी, हर तरीके का बना के दिखाना सबको, और हम खा के भी दिखाएंगे और बना के भी दिखाएंगे, है ना। ये बन गए छोटे से क्यूट से समोसा स्टाइल में मोमो। डना डना क्या कलर है। अब झोल चटनी बन के रेडी है, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसको हम मोमोज के साथ खाएंगे। चटनी बन के तैयार हो गया, नेपाली झोल मोमो के लिए ऐसे ही चटनी बनती है, बढ़िया। थोड़ा सा पतला बनता है, इसको मोमो के ऊपर ऐसे डाल के खाया जाता है। इसे हम ऊपर से ऐसे लेके फोल्ड करेंगे, ये बनेगा आपका फिश वाली, फिश वाला डिजाइन। पता नहीं क्या है, अपने लगा दूं। मेरे साथ खा ले, ला ला कटोरा ला, वो ला उसके लिए रखा है, नॉर्मल कटोरा ला, यही ला। उसमें ना रुक जा, पहले ये पकड़, तू खड़ा रहना, रुको ये रुक जा पहले। देखो मेरी बेटी ने कितना प्यारा मोमो बनाया, फर्स्ट टाइम, ले 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 ले, फर्स्ट टाइम। मेरी बेटी ये मोमो बेल रही है, यहाँ देखो दियो, मतलब मोमो के लिए बेल रही है, बना रही है, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में मोमो बन चुका है, पहले बच्चों को खिलाया जाएगा, उसके बाद बड़े खाएंगे। दिखने में ही कितना टेस्टी, यम्मी लग रहा है ये तो। कारीगर बनाने में लगे हैं और अभी बच्चे खा रहे हैं, मैंने अपने लिए भी सर्व कर लिया है, इसको ऐसे ऊपर से टिप करके खाएंगे। दो कारीगर बना रहे हैं, एक बेल रही है, एक मसाला भर रही है और मैं खा रही हूँ, बच्चे अंदर खा रहे हैं। हनी खा लो बेटा। आज हम ये चाइनीज बाउल में खा रहे हैं मोमो, और नेपाल में भी इसी बाउल में ऐसे ही सर्व करके खिलाते हैं। और ये जो है मोमो के लिए या थुक्पा के लिए बाउल बना होता है, ये मेरी बहन ने चाइना से मंगाया था, और इसमें खाने का मजा ही कुछ और आ रहा है। अब मैं आपको खा के बताती हूँ कैसा टेस्ट है, दिखने में यम्मी लग रहा, पहले एक मैं खा चुकी हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट था, मिर्च मसाला सब एक्यूरेट, बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कि सब बहुत मेजरमेंट सही मेजरमेंट में बना हुआ है, परफेक्ट। अब कैसे खाऊं ये तो समोसा जैसा, एक बाइट में मुंह में डालूं कि दो बाइट में मुंह में डालूं, क्योंकि आटे का है तो थोड़ा सा और बढ़ जाता ना, अरे बड़ा साइज हो जाता है। दोस्तों हम खाना खा चुके हैं, डिनर हमारा हो चुका है, दीपी ने आज बहुत टेस्टी मोमो बना के खिलाया है, तो आप भी डिनर कीजिए। मैं आपको सबको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।